नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आप लोगों को नैनीताल के आसपास जितनी भी ऑफबीट लोकेशंस हैं उनको दिखाऊंगा, तो उसी कड़ी में आज आप लोगों को मैं लेके चल रहा हूँ खुरपाताल। ये जो सामने आपको झील दिखाई दे रही है यही खुरपाताल है और ये बिल्कुल ही ऑफबीट लोकेशन पे है। इसके आसपास गांव वाले खेती भी करते हैं और आप लोग यहाँ पर को अपनी फैमिली और अपने दोस्तों के साथ आके शांति से अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं ये झील के किनारे बैठकर। खुरपाताल नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर और सरिता ताल से 1 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर को आपको बहुत सारे रिसॉर्ट्स और होम स्टे मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग नैनीताल घूमने आ रहे हैं और आपको वहाँ रूम्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर को आ सकते हैं। यहाँ पर को आपको बहुत इजीली रूम्स और होम स्टे मिल जाएंगे जिनको कि आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ जिसका कि नाम जे जे विलेज है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर को क्या क्या अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस समय हम लोग जे जे विलेज में हैं। ये खुरपाताल नैनीताल से पहले एक जगह पड़ती है, 10 किलोमीटर पहले उस जगह पर है और यहाँ पर को काफ़ी बहुत ही बढ़िया एक रिसॉर्ट बनाया गया है जो पहाड़ी थीम पे है। और आप लोग देखिए इन लोगों ने किस तरीके से इसको डेकोरेट करा हुआ है। यहाँ पर को बैम्बू हट्स वाले जो रूम होते हैं उसकी भी सुविधा है और सामने जो नॉर्मल रूम्स रहते हैं हमारे उसकी भी सुविधा है और यहाँ पर पूल वगैरह है। और आप देखिए बैठने के लिए यहाँ पर को कितना बढ़िया इन्होंने एम्बियंस क्रिएट कर रखा है यहाँ पर को। तो चलिए अब आप लोगों को थोड़ा पूल की तरफ को लेके चलते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को एक छोटा सा जकूजी वाला पूल भी बनाया गया है छोटे बच्चों के लिए। उसके साथ साथ मेन पूल तो है ही ये, जो कि लगभग 3 से 4 फीट के आसपास है शायद, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह पे ये लोकेटेड है। यहाँ से आप झील का व्यू भी ले सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर झूले वगैरह भी लगाए गए हैं जिसमें बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं ऑब्वियसली। और आप लोग देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये रिसॉर्ट यहाँ पर को। ये इनके एक रूम्स हैं और दूसरे वहाँ पर को हमने भी रूम लिया हुआ है जो सामने बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और इसके जो प्राइस वगैरह है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। वैसे तो सीज़न टाइम पे ये हट वाले जो रूम्स रहते हैं उसके रेट लगभग 3.5 से 4 हज़ार रुपये के आसपास रहते हैं और जो रूम्स मैंने अभी आपको पहले दिखाए वो थोड़े बड़े हैं, उसमें आराम से 4 लोग एकोमोडेट हो सकते हैं, तो उनका प्राइस 6 हज़ार के आसपास रहता है जिसमें कि खाना इंक्लूडेड है और बाकी ऊपर नीचे जो भी रहती हैं चीज़ें वो आप यहाँ पर को आके बात कर सकते हैं इनके मैनेजमेंट के साथ, वो हो जाती हैं। और इनकी जो साइट की डिटेल्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आपको यहाँ पर को सिर्फ घूमने के पर्पज़ के लिए आना है तो इनका रेस्टोरेंट हमेशा ओपन रहता है, तो आप लोग वहाँ पर को खाना खाने भी आ सकते हैं। खाने की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को एम्बियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो चलिए अब आप लोगों को इनके जो हट वाले रूम्स हैं उसको दिखाता हूँ अंदर से कि किस तरीके हैं ये। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर को एक डबल बेड है, साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम यहीं पर को है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन और अच्छी तरह मेंटेन करा गया है इसको। और क्योंकि हम लोग 3 लोग आए हुए थे इसलिए हमने ये वाला नहीं लिया रूम, यहाँ पर थोड़ी परेशानी हो जाती है हमको रुकने में। बाकी अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर को बहुत इजीली ऑनलाइन भी रूम्स बुक कर सकते हैं और आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये हट वाला रूम भी यहाँ पे। और जो अभी हमने रूम लिया हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आगे कि वो किस तरह का है। यहाँ पर को एक मचान भी बनाई गई है जहाँ से आप पूरे इलाके का व्यू ले सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। चलिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। सामने आपको लेक व्यू बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा और पूल वगैरह भी यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई देता है और बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरा रिसॉर्ट है ये। तो अगर आप लोगों का कभी नैनीताल आना हो तो आप लोग यहाँ पर कुछ ज़रूर आइएगा, बहुत ही शांत और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये जगह। और चलिए अब ऊपर वाले मचान से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से किस तरह का व्यू देखने को आ रहा है। और आप लोग देख सकते हैं कि पूरा गांव यहाँ पर को देखने को मिल रहा है जो खुरपाताल विलेज है, और साथ साथ लेक का व्यू हो गया और इनका जो रिसॉर्ट है
वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है यहाँ पर से। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ जो रूम हमने लिया है वो किस तरह का है, और आप लोग देखिए ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर कोई एक तो प्रॉपर डबल बेड है और एक सोफ़ा कम बेड लगाया हुआ है इन्होंने, और टीवी वगैरह हो गया, ड्रेसिंग टेबल, टॉयलेट, सब कुछ यहाँ पर को काफ़ी साफ़ सुथरा और बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आप लोग कभी यहाँ पर को आए तो आप लोग इसको देख सकते हैं, इस रिसोर्ट को। काफ़ी अच्छी सर्विस थी इनकी यहाँ पर को, और ये मेरे दोस्त लोग जो साथ में आए हुए थे। कैसा लगा? बहुत शानदार है ना, बढ़िया जगह। कैसा है सर? बढ़िया। और आप क्या खा रहे हैं इसके साथ? ये फ्री का प्रमोशन हो रहा है इसका। जब हम बचपन में खाते थे तब 1 रुपए का हुआ, फिर बड़ा वाला 2 का, आज 10 रुपए वाला भी निकल रहा। चलो किसी की तो वो हो रही है, आगे बढ़ रहा है, कोई तो आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि रात को ये रिसोर्ट किस तरह का दिखता है। और प्रॉपर्टी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और साफ़ सुथरी और बहुत ही ज़्यादा शांत जगह पे है ये। तो आप लोग देख सकते हैं कि लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से कर रखी इन्होंने यहाँ पर को, बहुत ही खूबसूरत लग रही है ये प्रॉपर्टी। और यहाँ पर को काफ़ी ज़्यादा शांति का अनुभव हुआ हमको तो आके, तो आप लोग भी आके यहाँ पर को कभी अगर आप लोगों का आना हुआ नैनीताल को तो यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। देखिए रात को कितना खूबसूरत लग रहा है ये स्विमिंग पूल वाला एरिया जो इनका है। हमने भी यहाँ पर को आके थोड़ा अपने बचपन को एंजॉय कर लिया और झूलों में काफ़ी देर मस्ती करी। और आप लोग भी देखिए यहाँ पर को कि हम लोग किस तरीके से अलग अलग झूले में यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। तो सुबह सुबह हम लोग भी टाइम से हल्द्वानी के लिए निकल गए, क्योंकि फिर जाम वगैरह की स्थिति हो जाती है, तो हम लोग यहाँ से टाइम से आगे के लिए निकल गए। और आप लोग अगर कभी यहाँ पर को आए तो ये जे विलेज करके प्रॉपर्टी है, तो आप लोग यहाँ पर को आ सकते हैं। पार्किंग वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, हम लोगों को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। और आप लोग यहाँ पर को ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। तो अब आगे आपको यहाँ पर जो व्यू पॉइंट है कुरपा ताल का उसको दिखाता हूँ कि वहाँ से कैसा व्यू आता है। तो ये है वो व्यू पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था। आप लोग देखिए कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है, और झील ऊपर से थोड़ी छोटी दिखाई देती है पर नीचे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था। और ये सामने वही रिसोर्ट है जहाँ पर को हम रुके हुए थे, जे विलेज। ये जो जगह है ये एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कालाडूंगी रोड से नैनीताल को आ रहे हैं तो ये आपको नैनीताल से पहले 10 किलोमीटर पड़ेगी, और अगर आप नैनीताल से नीचे को आ रहे हैं तो यहाँ पर को जो रूसी बाईपास जहाँ से डाइवर्जन किया जाता है, जहाँ पर पार्किंग वगैरह होती है, उस जगह से ये लगभग 1 किलोमीटर दूर है। तो आप लोग मेरे चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहें, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला व्लॉग किस तरह का लगा, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले व्लॉग तक के लिए बाय बाय, जल्दी मिलते हैं।